लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव अप्रैल में संभव। पिछड़ा वर्ग आयोग इस महीने सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट। आयोग ने 86 जिलों का पूरा किया भ्रमण। इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू। आयोग जल्द शासन को सौंप सकता है रिपोर्ट। कोर्ट द्वारा समय सीमा के मुताबिक आयोग को 31 मार्च तक OBC आरक्षण की रिपोर्ट देनी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अप्रैल में संभव। पिछड़ा वर्ग आयोग इसी महीने सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट। आयोग ने 86 जिलों का पूरा किया भ्रमण। इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का काम भी शुरू। आयोग जल्द शासन को सौंप सकता है रिपोर्ट। कोर्ट द्वारा समय सीमा के मुताबिक आयोग को 31 मार्च तक OBC आरक्षण की रिपोर्ट देनी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज, निकाय चुनाव को लेकर सभी अटकलों के बीच अप्रैल में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है। किस तरह, किस आधार पर और किन तथ्यों पर यह रिपोर्ट आधारित होगी? जी, अभी पर देखिए बताना चाहेंगे कि जो भी मानक बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ट्रिपल लेयर टेस्ट का, उसके अनुसार ही जो है कि ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में जो रिजर्वेशन दिया गया था उस पर कहीं ना कहीं एक रीट पड़ी हुई थी, और उसके खिलाफ जो है कि एक जो है कि रीट के खिलाफ जो है कि ये भी आया था कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि आप बिना रिजर्वेशन के ही चुनाव कराएं, और जो है कि अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो जो नियम और कानून है उसके तहत ही आपको देना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है ट्रिपल लेयर टेस्ट, उसके साथ ही दिया जा सकता है। इसको लेकर के तत्काल चुनाव भी कराने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था, जिसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को राहत मिली थी और कहा गया था कि ठीक है, आप अपने हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए जो नियम और कानून है उसके तहत कार्य कीजिए। तत्काल चुनाव कराने पर रोक लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद प्रदेश सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, और आयोग ने आयोग को यह निर्देश दिया कि जल्द से जल्द आप जो है कि सर्वे करने के बाद से रिपोर्ट अपनी दे, जिसके आधार पर जो ओबीसी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो जेन्युइन रिजर्वेशन है वो उनको मिल सके, यानी जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है ओबीसी के लिए उनको दिया जा सके प्रदेश में। और इसके लिए आयोग ने 46 जिलों का भ्रमण पूरा कर लिया है। जो भी आयोग की कमेटी, आयोग की जो टीम बनाई गई है, जो उसमें मेंबर है, उन्होंने अपने अपने स्तर से जो भी आंकड़े जुटाने हैं वो जुटा लिए हैं, और वो अब जो है कि सरकार को, गवर्नमेंट को सौंपेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में 31 मार्च तक आयोग के पास टाइम था, वक्त था सरकार को, चूंकि कोर्ट ने 31 मार्च तक का ही टाइम दिया था कि आप 31 मार्च तक किसी तरह से रिपोर्ट सौंपे, और इसको लेकर के सरकार की तरफ से आयोग को बताया गया था कि आप अपना सर्वे तेज करें, और सर्वे तेज करने के बाद से जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आती है वो दे, उसके आधार पर जो है कि निकाय चुनाव के लिए रिजर्वेशन दिया जाए और निकाय चुनाव जल्द से जल्द प्रदेश में कराया जाए। तो अब लग रहा है कि जो ये 46 जिलों का भ्रमण आयोग ने किया है और अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द सौंपेगा गवर्नमेंट को, इसके बाद एक जो है कि अटकल लगाई जा रही थी कि काफी ज्यादा दिन तक चल सकता है ये चुनाव, तो ये कहीं ना कहीं इस पर विराम लगने की बात हो रही है, यानी माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव संभवतः करा लिया जाएगा प्रदेश सरकार के द्वारा। पंकज, आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, तो आरक्षण का मुद्दा कितना सुलझता हुआ दिख रहा है? देखिए, चूंकि अपीपा गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से कार्यवाही की है, आयोग का गठन किया है, और आयोग की टीम ने जिस हिसाब से मेहनत करी है, 46 जिलों का भ्रमण पूरा किया है, और जो तमाम वहां पे जो आंकड़े थे, जो टेस्ट किए गए थे ट्रिपल टेस्ट के अनुसार जो, और जो जो विधिक विधिक कार्यवाही की जाती है, न्यायिक तरीके से जो वहां पे आंकड़े लिए जाते हैं और देखा जाता है कि कौन रिजर्वेशन के लिए पात्र है और कौन पात्र नहीं है, तो ये जो तमाम कार्यवाही है, तमाम कवायद है, ये कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से पूरी की जा चुकी है, और बस देर है। तो आयोग जितनी जल्द गवर्नमेंट को अपनी ये रिपोर्ट सौंपेगा उतनी ही जल्द जो है कि रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी को, और उतना ही जल्द जो है कि ये निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो पूरी लगभग की जा चुकी है, और अब बस रिपोर्ट आने के बाद से एक्शन मोड में आएगी यूपी गवर्नमेंट, और माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी तक निकाय चुनाव प्रदेश में करा लिए जाएंगे। पंकज, निकाय चुनाव होने से प्रदेश में प्रदेशवासियों को कितना फायदा पहुंचेगा?
देखिए आफिफा बताना चाहेंगे कि देखिए जो भी निगम है, निकाय है, उस वहाँ पे पद रिक्त है और वहाँ पे जो है कि जिलाधिकारी के हैंड में चार्ज है और वहाँ पे जो कुछ कार्य चल रहे हैं, जो पहले से निर्धारित है, वो कार्यवाही धीरे धीरे चल रही है, लेकिन कोई ठोस निर्णय और डेवलपमेंट का निर्णय नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उन पदों पर जो पदाधिकारी बैठते हैं, चुने जाते हैं चुनाव के उपरांत, उसके बाद ही वो डिसीजन लेने के हकदार होते हैं। एक सामान्य कमेटी जिलाधिकारी के नेतृत्व में बना करके निगम की कार्यवाही और निकायों की कार्यवाही चल रही है, तो वो एक केवल सामान्य प्रक्रिया है, उसमें डेवलपमेंट की जो गति होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो जब निकाय चुनाव हो जाएगा और निकाय चुनाव के द्वारा जब मेयर और तमाम जो पार्षद हैं वो मिल जाएंगे, तो जो निकायों में जो डेवलपमेंट की बात होती है, जो डेवलपमेंट के लिए फंडिंग होती है, आम पब्लिक के लिए जो विकास किया जाता है, वो कहीं ना कहीं स्पीड होगा और वो विकास की जो गति है वो मिलेगी। जो सरकार तमाम विकास की बातें करती है कि पब्लिक के लिए हम ये कर रहे हैं और जनता के हित में इतना हमने फंड दिया हुआ है, तो वो फंड जब पदाधिकारी आ जाएंगे तभी रिलीज हो पाएगा और तभी विकास को गति मिल पाएगी और सीधा सीधा उसका फायदा पब्लिक को मिलता है। तो जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये फायदा जो मिलने वाला है पब्लिकली, ये कहीं ना कहीं स्लो है, विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे निकाय के बाद पदाधिकारी मिलेंगे, इन तमाम विकास कार्यों को गति मिलेगी और ये सीधा फायदा इसका जनता को मिलेगा, यूपी की जनता को मिलेगा। शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए पंकज। उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे थे। प्रदेश में निकाय चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग इसी महीने सौंप सकता है रिपोर्ट।